आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कस्टम रोम से स्टॉक रोम पे यानी कि MIUI रोम पे कैसे जाए। चाहे आप कोई भी सा कस्टम रोम चला रहे हो या कोई भी वर्जन हो, एंड्रॉइड 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, कुछ भी हो, कोई भी रेडमी, पोको, MI फोन हो, तो उसके लिए आपको स्टॉक रोम पे वापस जाने का प्रोसीजर। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ कुछ फाइल डाउनलोड करना है, जैसे कि ये वाला फाइल और ये फाइल। इन दोनों फाइल को कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेगमेंट पे दे दूंगा या फिर आई बटन पे। तो आप वहां से जाके ये प्रोसेस कर लीजिएगा। और आपके पास जो भी विंडोज आप चलाते हैं, विंडोज 7, 8, 8.1, 10, 11, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई वायरस नहीं होना चाहिए, और आप अगर कोई एंटीवायरस रखे हैं तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेबल कर दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करें, जब ये दोनों फाइल डाउनलोड कर लेंगे, आपको जो तीसरा फाइल का जरूरत पड़ेगा वो है 7-Zip, यानी कि जिसकी मदद से आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो फाइल भी तो आपको रखना ही है। ये सब फाइल करने के बाद आपको ये जो डिफॉल्ट रोम मिलेगा, ध्यान रखिएगा, इसका मैं प्रॉपर्टी चेक करवा देता हूं। और इसमें देखिए, यहां पर आपको एक्सटेंशन दिख रहा है .tgz। समटाइम क्या होता है, जब आप डाउनलोड करते हैं तो इसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, जैसे कि .gz लिखा रहेगा या .tz लिखा रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर के सेटिंग्स पे जाना है, यानी कि ऑप्शंस पे। उसके बाद आप व्यू पे जाएं और यहाँ पर जो आपको ये सेटिंग्स मिलता है, हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन डिवाइस, इसे आप बंद कर दी मतलब अनचेक कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर ये रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, जैसे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिए एक्सटेंशन रीनेम करने का ऑप्शन आ गया। तो आपको TGZ कर लेना है। इसके बाद डबल क्लिक करके मैं दिखाऊं तो ये 7-Zip सॉफ्टवेयर पे ओपन हो गया। इसके अंदर आपको अगेन एक कंप्रेस्ड फाइल मिल रहा है, उसे क्या करना है, आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए उससे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एक्सट्रैक्ट होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ, ये सब काम आपको अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के सी ड्राइव के एकदम बाहर पे करना है। ध्यान रखिएगा, किसी फोल्डर के अंदर नहीं। सी ड्राइव इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मांगते हैं, इस वजह से आपको मैं सी ड्राइव बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप किसी और ड्राइव में भी ट्राई आउट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बट अपने रिस्क पे। तो आप सी ड्राइव के बाहर पे ही एक्सट्रैक्ट करें। जैसे ही एक्सट्रैक्ट होता है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। कुछ सेकंड का ही टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इतना तो वीडियो आपको देखना पड़ता ही है। तो चलिए, देखिए हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने वाला है। इस दौरान प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो, और बेल बटन भी दबाना है। सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी मुझे फॉलो करना है, वीडियो पूरा वॉच करना है स्टार्ट से एंड। देखिए, ये वीडियो ये वाला फाइल आपको मिला है, ये था .tgz, और ये आपको मिलेगा .tar यानी कि TAR। अगेन इसे भी ओपन करें, इसके अंदर भी आपको एक फाइल मिलेगा, सिंपली उसे भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट सब करते जाइए, क्योंकि कंपनी ऐसे ही आपको रोम्स प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट करेगा। कुछ सर्वर से डाउनलोड होते वक्त तो किसी फाइल पर अगर एरर आ गया या फिर वायरस आ गया तो आपका डाउनलोड फाइल ही करप्ट रहेगा, आप उसे फ्लैश कर देंगे, रोम ही खराब हो जाएगा, यानी कि मोबाइल आपका सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड इसे किया जाता है। आप ये मत सोचिए कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है, भाई जरूरत है तभी कंपनी आपको ये करके दिया है। तो ये आप सब कर लिए हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देख सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू रहें अच्छे वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पे। तो अब तक के आप देखिए एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट जस्ट हो ही गया है। देखिए, अब एक्सट्रैक्ट हो गया, अब आप अपने फोल्डर को रिफ्रेश कर लीजिए जो भी हाँ, अब रिफ्रेश हो गया। ये हमें दो फाइल था, ये मेन फाइल था, इससे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये बना, इससे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फाइल बना है। फोल्डर को मैं ओपन करके दिखाऊं तो आपको इस तरीके के फ्लैश फाइल मिलेंगे। इसके अंदर एक और फोल्डर है इमेजेस नाम से, इसको आपको स्क्रॉल करना है और ये फाइल ढूंढना है persist.img। इसे कॉपी करके फोन के इंटरनल मेमोरी पे कॉपी कर लेना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कस्टम रिकवरी से इसे कैसे लोड करना है अपने फोन पे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी कस्टम रोम से स्टॉक MIUI रोम पे कैसे जाते हैं।
तो इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें। इसके अलावा मेरी सभी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, रेडिट, ट्विटर, टम्बलर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, XDA, इन सभी जगहों पे मुझे फॉलो भी करें। और वीडियो के आई बटन को आप जरूर देखें, बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक आपको वहां पर मिलते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेगमेंट को भी चेक करें, वीडियो को बिना स्किप और फॉरवर्ड के देखें, इसका स्टार्ट से लेके एंड तक। अदरवाइज आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, फिर मुझसे आप कमेंट पे वही सवाल पूछते हैं। तो हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आप कस्टम रूम चला रहे हैं, उसके बाद आप स्टॉक रूम पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? फास्ट बूट मोड पे जाते हैं अपने फोन को और फास्ट बूट रोम जो इंटरनेट से डाउनलोड करके फ्लैश कर देते हैं। बट इस तरीके से कई बार तो काम हो जाता है किसी किसी डिवाइसेस पे, बट किसी डिवाइसेस पे काम नहीं होता है। तो ये एक कॉमन मेथड है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक कॉमन मेथड है। सभी रिडमी, पोको, सौमी, तीनों ब्रांड तो एक ही है, ब्रांड के फोन पे स्टॉक रूम पे जाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपने फोन का बैकअप ले लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे कमेंट पे ये बोले कि सर मेरा फोन का डेटा डिलीट हो गया। बेहतर है, देखिए मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूं, मैं तो अपने फोन का डेटा रखा हूं है, और इसके साथ ही ये प्रोसेस काम करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने फोन का बैकअप ले लें। तो अब आप क्या करिएगा, अपने रिकवरी में बूट कर लें। इसके बाद डेल्वी, कैश, सिस्टम, डेटा और वेंडर, इन पांचों को सिंपली स्वाइप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके फोन पे जो भी कस्टम रोम लोड है, यानी कि एंड्रॉइड 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जो भी एंड्रॉइड लोड है किसी भी कंपनी का कस्टम रोम, वो डिलीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वाइप मैंने करवा दिया, यानी कि अब आपके फोन पे कोई भी रोम नहीं है। अब दूसरा काम क्या करना है, आप अपने फोन के जो भी रिकवरी यूज कर रहे हैं उसके मोड पे जाके उसे रीसेट टू डिफॉल्ट भी क्लिक कर दीजिएगा। रीसेट टू डिफॉल्ट क्लिक करने से क्या होगा, अगर आप कुछ सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके रखे हैं तो वो डिफॉल्ट सेटिंग पे चले जाएगा। उसके बाद आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, अपने रिकवरी के होम पे आए, मेनू पे जाएं, जो भी अपना यूज कर रहे हैं रिकवरी, फिर उसके टर्मिनल सेगमेंट पे जाएं। टर्मिनल यानी कि एक प्रकार का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, यहां पर आपको कुछ कमांड्स टाइप करने हैं, उसके बाद ही आप प्रोसेस आगे बढ़ाइएगा। अब मैं जो कमांड लिख रहा हूं उसे एकदम ध्यान से फुल HD हाई रिजोल्यूशन पे देखिए, क्योंकि कमांड आप गलत करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब मैं आपको कमांड लिख के दिखा रहा हूं, SIMG फिर 2 IMG, ये लिखना है, सिंगल स्पेस, फिर स्लैश कर दीजिएगा, फिर SD कार्ड, SDCARD, SD कार्ड, फिर से स्लैश कीजिए, फिर परसिस्ट, PERSIST .IMG, ये लिखना है, फिर सिंगल स्पेस, फिर स्लैश, फिर SDCARD, अगेन SD कार्ड, फिर स्लैश, फिर परसिस्ट, PERSIST परसिस्ट, फिर आपको अंडर स्कोर जाना है, अंडर स्कोर ये वाला, इसके बाद कैप्स पे लिखना है। तो कैप्स के लिए शिफ्ट बटन को डबल टैप कर दीजिएगा, EXT। अब आपको नंबर वाला 4 लिखना है और फिर .IMG, IMG आपको स्मॉल पे लिखना है, IMG। तो आपको ये कमांड लिखना है, तो ये कमांड आप लिखेंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा, मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ, पूरी लाइन आप देख लीजिए, लिख लिए हैं, ये वाला प्रॉब्लम कमांड है, मैं आपको रिवाइंड करके दिखा रहा हूँ, मिला लीजिएगा, SIMG 2 IMG स्पेस, फिर स्लैश SD कार्ड, फिर स्लैश परसिस्ट .IMG, फिर स्पेस, फिर SD कार्ड, परसिस्ट, अंडर स्कोर, EXT4 IMG। इतना लिखने के बाद आपको सिंपली इसे एंटर कर देना है। अगर यहां पर आप कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, गड़बड़ रहेगा, तो ये जो आपको कर्सर नीचे लाइन पे दिख गया, ये नीचे लाइन पे नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉन्ट आपने लिखा है ये रेड हो जाएगा और एरर शो कर देगा। अब आपको अगला कमांड लिखना है। अब कमांड
दूसरा वाला लिखना स्टार्ट करेंगे, ये काफी लंबा है, बिल्कुल ध्यान देखिए के लिखिएगा डी डी। इसके बाद आपको एक स्पेस करना है, फिर आई एफ इफ लिखना है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू लगाना है। तो इज इक्वल टू आप यहां पर सर्च कीजिए, यहां पर आपको ये मिल गया इज इक्वल टू। इसके बाद आपको अगेन स्लैश करना है, फिर एस डी सी ए आर डी, एस डी कार्ड स्लैश परसिस्ट, पी ई आर एस आई एस टी परसिस्ट, फिर उसके बाद अंडर स्कोर पे जाएं, फिर उसके बाद आप लिखिए एक्स्ट यानी कि कैप्स पे, ई एक्स टी हटा दीजिए कैप्स, फिर नंबर वाला 4। इसके बाद लिखिए डॉट आई एम जी, डॉट आई एम जी हो गया। इसके बाद फिर से स्पेस कीजिए ओ एफ ऑफ इज इक्वल टू, फिल लगाइए। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपको अगेन स्लैश करना है, फिर उसके बाद लिखना है डीईवी, डेवलपर वाला डीईवी स्लैश, फिर ब्लॉक BLOCK ब्लॉक लिख लिए। उसके बाद फिर से स्लैश करके बूट, बूट हो गया। उसके बाद डिवाइस DIVCE डिवाइस आपने कर लिया, फिर उसके बाद स्लैश कीजिए, फिर बाय लिखें, उसके बाद फिर डैश कीजिए, उसके बाद नेम NAME नेम, फिर से स्लैश कीजिए, फिर लिखिए परसिस्ट। ये देखिए काफी लंबा चौड़ा कमांड है, तो हम इसे रिवाइंड आपको मैं करवा देता हूं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो हम सबसे पहले बैक चलते हैं और इसे चेक करते हैं। जैसे मैं आपको रिमाइंड रीड करूंगा, आप ध्यान रखिएगा, उसे भी पढ़ना चालू कीजिए। आप देखिए डबल डी, उसके बाद सिंगल स्पेस है, फिर लिखिए आप आई एफ इफ, फिर इज इक्वल टू, फिर लिखना है स्लैश एस टी कार्ड, एस डी कार्ड का स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्लैश परसिस्ट PERSIST अंडर स्कोर EXT कैप्स पे रहेगा 4, नंबर वाला 4 डॉट IMG। इसके बाद सिंगल स्पेस, फिर ऑफ OF, फिर इज इक्वल टू स्लैश डेव, डेव आ गया डेवलपर वाला, उसके बाद स्लैश ब्लॉक BLOCK। आप स्पेलिंग को ध्यान रखते हुए जाएं, कोई भी मिस्टेक ना करें। इसके बाद अब आपको मिलेगा बूट डिवाइस, देखिए बूट डिवाइस आ गया, स्पेलिंग भी आप ध्यान रखिएगा, कोई मिस्टेक नहीं करना है। फिर स्लैश कीजिए, फिर लिखिए बाई डैश करके नेम NAME, फिर स्लैश कीजिए, फिर लिखिए परसिस्ट। देख लीजिए आपने इतना कमांड लिख लिया है, काफी लंबा चौड़ा है। इसके बाद आपको ओके बटन को प्रेस करना है सिंपली। तो आप यहां पर देखेंगे अगर हमारा सब कुछ काम ठीक रहा, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो आप यहाँ पर देखें हमारा कुछ फाइल कॉपी हो चुका है, जिसकी साइज आ रहा है 32 MB कॉपीड, और कितना सेकंड लगा है 1.629 मिली सेकंड लगा है, और उस फाइल का साइज था 19.6 MB पर सेकंड की स्पीड से कॉपी हुआ है। तो इस टाइप का फाइल आपको आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा होम बटन पे चले जाएं और अपने फोन को रिबूट टू फास्ट बूट मोड पे क्लिक कर लें। रिबूट टू फास्ट बूट मोड में आप क्लिक कर लें, या फिर अगर आपको यहां पर डायरेक्ट रिबूट टू फास्ट बूट नहीं आ रहा है तो आप पावर ऑफ भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब आपको पीसी वर्जन पे मैं ले चलता हूं। वो प्रोसेस करने के बाद आपको वापस से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाना है। फिर आपको अगले फाइल की जरूरत पड़ेगी मी फ्लैश टूल की, तो मी फ्लैश टूल आपको खोलना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका सेटअप फाइल दिख रहा है, राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये एक विंडो खुल जाएगा। इसके बाद आप बैक ले लीजिए और जो आपने रूम एक्सट्रैक्ट किया है उसका ये लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा कॉपी करके, फिर आप इसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें सिंपली। ये शॉर्टकट प्रोसेस है, बाकी आप चाहे तो यहाँ से स्क्रॉल करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, मेरा डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। अभी इतना प्रोसेस होने के बाद अब आपको अपने फोन को फास्ट बूट मोड में लेके जाना है। जैसे ही आप फास्ट बूट मोड में लेके जाएंगे, उसके बाद याद रखिएगा अपने फोन का डेटा केबल को फोन से कनेक्ट कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसे रिफ्रेश क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपका डिवाइस डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन मेनू दिख रहा है, क्लीन ऑल, सेव यूजर डेटा, क्लीन ऑल एंड लॉग।
बाय डिफॉल्ट ये क्लीन ऑल एंड लॉक पे रहता है, तो इसे तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपने इसे किया तो आपका पूरा फोन फॉर्मेट हो जाएगा, प्लस आपका बूट लोडर भी लॉक हो जाएगा। तो मैं इस चीज का बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं दूंगा, मैं आपको सजेस्ट दूंगा क्लीन ऑल पे। इससे क्या होगा, भले आपका फोन फॉर्मेट होगा बट बूट लोडर अनलॉक ही रहेगा। इन केस अगर आपने कुछ गलती किया, बूट लोडर अनलॉक है, तो आप वापस से कस्टम रिकवरी डाल सकते हैं, कस्टम रोम पे वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉक कर दिया और फ्लैश के दौरान आपको कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आप ना ऑफिशियल रोम चला पाएंगे ना स्टॉक रोम, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है, ये केवल अगर आपको अपना फोन को फ्लैश भी करना है बट अपना पर्सनल डेटा बचाना भी है, उस केस के लिए आपको सेव यूजर डेटा वाला प्रोसेस को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये सब करने के बाद, सिंपली यहां पर आपको दिख रहा है फ्लैश बटन, इसे फ्लैश कर दीजिए, आपका ऑफिशियल रोम फ्लैश हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर कुछ टाइम लगेगा, जैसे 2 से लेके 3 मिनट तक का समय लग सकता है, डिपेंडिंग आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसका फास्ट बूट रोम कितना बड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये कॉमन प्रोसेस है किसी भी रेडमी डिवाइस के लिए, किसी भी पोको डिवाइस के लिए या किसी भी एमआई डिवाइस के लिए। और इसी मदद से, इसी प्रोसेस से आप बैक टू एमआईवाई किसी भी वर्जन जा सकते हैं। उसके लिए आपको बूट लोडर अनलॉक करके रखना रहता है और अपना सभी अकाउंट लॉग आउट करके रखिए, जैसे कि मी अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, ये सब, और अपने फोन का डेटा बैकअप करके रखें। अगर आपको MIUI 13 से 12 पे जाना है या 12 से 11, 11 से 10, 9, 8, 6, 5, जो भी आपको MIUI वर्जन भी डाउनग्रेड करना है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। कोई भी आपका MI ब्रांड का फोन है, MI, पोको, रेडमी, सबका सेम प्रोसेस है। और अगर आप कोई भी एंड्रॉइड कस्टम रोम चला रहे हैं, जैसे कि 12, 11, 10, 9, 8, 7, उससे भी आप ऑफिशियल स्टॉक रूम पे जा सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को आप ध्यान से देखिए, इसको बिल्कुल स्किप और फॉरवर्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसी चीज को बार बार मुझसे पूछते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रोसेस पे आप कोई भी विंडोज यूज कर सकते हैं, विंडोज 7, 8, 8.1, 10, 11, कुछ भी विंडोज यूज कीजिए, लेकिन उस विंडोज पे याद रखिएगा वायरस नहीं होना चाहिए। जो आपने फास्ट बूट रोम डाउनलोड किया है वो भी मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए, उसमें भी कोई वायरस अटैक नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा फाइल होना चाहिए, अदरवाइज आपका फोन सॉफ्टवेयर ब्रीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस पे आप अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस भी बंद रखिए। और ये पूरा प्रोसेस आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको मैं सी ड्राइव के कोर पार्टीशन वाले विंडोज ड्राइव पे ही करके बता रहा हूं। आप चाहे तो दूसरे ड्राइव पे कर सकते हैं, बट दूसरे ड्राइव में सम टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप सी ड्राइव पे ही ट्राई करें। जैसे ही ये पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद आप चाहे तो अपना फाइल्स डिलीट कर सकते हैं विंडोज फाइल पे, अगर आपको ये सब चीज नहीं रखना है तो। इस वीडियो पे रूम फ्लैश होते तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें। मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, रेडिट, ट्विटर, टम्बलर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पे मेरे मेंबर भी बने, वहां भी मुझे फॉलो करें, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप और फॉरवर्ड के, आई बटन भी चेक कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेगमेंट को भी चेक कर लें, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप जब कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं तो पूरा पहले प्रोसीजर फुल एंड फाइनल 2-4 बार आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होता है तभी आप मुझसे कमेंट में पूछें, क्योंकि आप कमेंट पे बिल्कुल है ऐसा सवाल पूछते हैं जिसे मुझे जवाब देने का भी मन नहीं करता। कुछ लॉजिकल सवाल पूछिए तो जवाब देने में भी कुछ इंटरेस्ट आता है। आपके सवालों से ऐसा लगता है कि आपने ना मेरा वीडियो देखा है ना कुछ, नहीं, सिंपली बस सवाल पूछने के लिए आप आ गए हैं, ऐसा लगता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसा हरकत ना करें, क्योंकि मुझे भी काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने पे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को भी आपको दबा के रखना है, ऑन नोटिफिकेशन आइकॉन को भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो उसे आप पूरा वॉच करके एटलीस्ट मेरा भी कुछ हेल्प करें। तो आप देख रहे हैं हमारा रोम फ्लैशिंग हो रहा है। जब रोम फ्लैश होता है, इस दौरान ना आपको कंप्यूटर पे कोई प्रोसेस करना है, ना मोबाइल पे कोई प्रोसेस करना है, कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं आपके फोन की कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है कि हमारा रोम फ्लैश हो चुका है।
रोम फ्लैश होने के बाद आप कंप्यूटर का काम आपका खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से अब आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा रोम फ्लैश होने के बाद MIUI पे बूट हो चुका है। अब मैं इस रोम का सेटअप करके आपको वेलकम स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेटअप कंप्लीट कर लिया है, ये रहा हमारा MIUI 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिले हैं। लेफ्ट साइड पे अगेन मी वॉल्ट आपको मिलेगा, गूगल पे तो मिलता नहीं है। मैं अबाउट आपको चेक करवा दूं और आपको दिखा दूं, देखिए ये पूरे सेटिंग अच्छे से काम कर रहे हैं। अबाउट पे अगर मैं आपको दिखा देता हूं तो देखिए रेडमी नोट 4 है, एंड्रॉयड 7 है, MIUI 11 है और अगस्त दिसंबर 2018 का सिक्योरिटी पैच आपको मिल रहा है। तो काफी सारा चीज यहाँ पर आपको दिख गया। देखिए वाईफाई भी अच्छे से काम कर रहा है, इसके बाद ब्लूटूथ भी काम कर रहा है, जो आपका फाइंड डिवाइस वाला प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको डेवलपर मोड पे ले जाके आपको ये भी चीज कंफर्म करवा देता हूँ। उसके लिए हमें MIUI वर्जन को टैप करना है। अब बैक कीजिए, अब आप आए एडिशनल सेटिंग के अंदर, अब स्क्रॉल डाउन करके आप आए तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ये चेक करवाना है आपको, देखिए OEM अनलॉकिंग है, इसे आप जब कस्टम रूम लोड करना रहता है तब ऑन कीजिए। और देखिए मी लॉक स्टेटस अनलॉक है, यानी कि हमने सक्सेसफुली वापसी कर लिया है अपने MIUI स्टेबल वर्जन पे, किसी भी कस्टम रूम से बिना फोन को लॉक्ड किए, और OEM अनलॉकिंग फीचर हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। यानी कि अब आप जब भी चाहते हैं सिंपली वापस से कस्टम रिकवरी डालिए, कोई भी रोम फ्लैश कीजिए और चलाइए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अब मैं आपको मेरे चैनल पे एक अगला वीडियो मिलने वाला है जिसपे आपको ये मैं बताऊंगा कि प्री इंस्टॉल ऐप को आपको कैसे हटाना है। अब आप में से कुछ यूजर बोलेंगे सर प्री इंस्टॉल ऐप हटाने के लिए तो सिंपली इसे टैप कीजिए और यहाँ पर अनइंस्टॉल आता है, स्विच करके अनइंस्टॉल कीजिए। ठीक है, आप एक दो ऐप कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्री इंस्टॉल ऐप यानी कि जो अनइंस्टॉल नहीं होता। सपोज जैसे ब्राउजर ऐप आपका अनइंस्टॉल नहीं होगा, यहाँ पर से आपको इतने ऐप नीचे देखिए हैंग आउट ऐप बंद हो चुका है बट आपको इसे अनइंस्टॉल करना है, प्ले मूवी ऐप को अनइंस्टॉल करना है, तो ये सब आपको कैसे करना है ये मेरे अगले वीडियो पे आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर हो सके तो मैं इसी वीडियो के एंड तक में इसे इंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए अब हम अपने अगले पार्ट पे चलते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि MI, रेडमी और पोको इन तीनों फोन पे बिना रूट किए आप प्री इंस्टॉल ऐप को कैसे हटा सकते हैं, जो आपको बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री के द्वारा दिया जाता है। यानी कि जब आप फोन को अनबॉक्स करते हैं उसी समय आपको प्री इंस्टॉल बहुत सारे ऐप दे दिए जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट का। तो इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इसे आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड करें और आप जो विंडोज चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कीजिएगा, यानी कि 32 बिट, 64 बिट वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। मैं 64 बिट पे आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड फाइल आपको चाहिए रहेगा Xiaomi ADP Fast Tool .jar, ये वाला फाइल। तो जब आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा उसके बाद आपको अगला स्टेप फॉलो करना है Xiaomi ADP Fast Tool .jar का। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको एक विंडो खुल जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके का। ये विंडो खुलने के बाद आपको अपना डिवाइस कनेक्ट करना है, और याद रखिएगा जब ये विंडो खुलेगा फर्स्ट टाइम तो कुछ ड्राइवर इंस्टॉल करेगा वो ऑटोमेटिकली, और आपको कुछ नहीं करना है। तो आप जैसे ही अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे डेटा केबल से, उसके बाद आपको देखिए मैसेज आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने फोन का USB डिबगिंग ऑन रखना है, डेवलपर ऑप्शन पे जाके सब कुछ ऑन कर लेना है, क्योंकि आप अगर ऑन नहीं रखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर उसे आपके डिवाइस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें डेवलपर मोड में जाना है, उसके बाद USB डिबगिंग ऑन कर देना है। अब आप देखिए USB डिबगिंग ऑन करने के बाद आपके फोन पे एक मैसेज आएगा अलाउ USB डिबगिंग, उसे जैसे ही आप अलाउ करेंगे यहाँ ये डिवाइस आपके फोन को डिटेक्ट कर लेगा। देखिए डिवाइस कनेक्टेड इन ADB मोड, ये जैसे ही आ चुका है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियर दिखे। देखिए यहाँ पर आपका ये पूरा ऐप का लिस्ट खुल चुका है। सबसे पहले अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अनइंस्टॉल करना है जो भी सॉफ्टवेयर आप हटाना चाहते हैं। तो आप देख लीजिएगा इतने पूरे लिस्ट आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए कुछ कुछ हटा के बता देता हूँ। देखिए
एनालिस्ट एंड्रॉयड ऐप वॉल्ट मुझे नहीं चाहिए, ये लॉन्चर के लेफ्ट साइड पे आता है, ये वो होता है। इसके बाद हम देखते हैं बैकअप, बैटरी, ब्लॉक, मी ब्राउजर हमें नहीं चाहिए, डिफॉल्ट कैलकुलेटर ठीक है, कैलेंडर, क्लीनर, क्लॉक, कंपास, डाउनलोड भी ठीक है। फिर इसके बाद रेडियो ठीक है यार चलने देते हैं, फेसबुक तो चाहिए ही रहता है, फीडबैक हटा लेते हैं, फ्री फॉर्म, गेम, गेट ऐप, जी बोर्ड, जीमेल तो चाहिए, गूगल ऐप चाहिए, क्रोम ब्राउजर भी रख लेते हैं, गूगल डीओ ड्राइव भी रख लेते हैं, डीओ भी, हैंग आउट तो बंद हो चुका है हटा लेते हैं, मैप रख लेते हैं, गूगल फोटोज, गूगल मूवी म्यूजिक हटा लेते हैं, प्ले मूवी म्यूजिक हाइब्रिड MSA, इसी के मदद से आपको MI एड प्रोवाइड करता है आपके फोन पे, तो इसे जरूर हटा लें। ये डिफॉल्ट मेल है, ये भी बंद हो चुका है। सर्विस मार्केट फीडबैक एजेंट ये भी हटा लीजिए, मी क्लाउड रहने दीजिए, मी क्रेडिट हटा लीजिए, मी ड्रॉप रहने दीजिए, मी पे यानी कि UPI पेमेंट के लिए हटा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, मी रिसाइकल हटा लीजिए, रहने दीजिए, मी रिसाइकल, रोमिंग, VR, मी वीडियोस ऐप जो अगर आप देखना चाहते हैं डिफॉल्ट मी वीडियो ऐप तो रख लीजिएगा, मी वॉलपेपर, कलोसल कनेक्टेड, मी UI म्यूजिक, डिफॉल्ट म्यूजिक ऐप, न्यूज भी आप हटाना चाहते हैं तो हटा लीजिएगा। उसके बाद पैकेज अनइंस्टॉलर बिल्कुल छेड़ना नहीं, इसी से आपका APK ये इंस्टॉलर है, APK आपका इसी से इंस्टॉल होता है। पावर डायरेक्टर, क्विक ऐप आप रहने दीजिए, क्विक बाल, रिकॉर्डर, SMS, स्कैनर, सर्विस एंड फीडबैक हटा लेते हैं हम, सिस्टम ऐप अपडेटर, ट्रांसलेटर, यूनिपे, वॉलपेपर, क्लोसल, वेदर और येलो पेज आपका ट्रू कॉलर आईडी जैसे ही है, मतलब डिफॉल्ट कॉलर आईडी है और यूट्यूब है। तो इतना ऐप को आप मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैं अनइंस्टॉल बटन क्लिक करूंगा, आपको एक ऐसा मैसेज आएगा, सिंपली इसे यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस करेंगे देखिए यहाँ पर लोडिंग चालू हो गया, यहाँ पर ऐप अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। ऐप अनइंस्टॉल होने के बाद मैं आपको फोन पे लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि हमारे पूरे फोन जो भी हमने ऐप अनइंस्टॉल किया है वो डिलीट हो गया है। देखिए हमारा सब चीज सक्सेसफुल डन हो चुका है। अब हमें इसे सिंपली क्लोज कर देना है और मैं आपको दिखा देता हूँ रोम यानी कि मोबाइल पे लेके। अब आप देख सकते हैं मैंने अपने फोन पे जो भी प्री इंस्टॉल ऐप सक्सेसफुली हटा लिया है, जो भी आपको प्रोसेस दिखाया उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए गूगल फोल्डर खोल के देखिए, हैंगआउट गायब है, प्ले म्यूजिक, प्ले मूवी गायब हो चुका है, डिफॉल्ट मी ब्राउजर गायब हो चुका है, लेफ्ट साइड पे जो मी वॉल्ट आता है वो भी हम गायब कर चुके हैं, राइट साइड पे यहाँ पर हमें जो कुछ कुछ प्री इंस्टॉल ऐप मिलता है वो भी आप हटा चुके हैं। तो इसकी मदद से आप चाहें तो बहुत सारे गूगल ऐप्स भी हटा सकते हैं, जैसे आपको क्रोम भी हटाना है या फिर यूट्यूब हटाना है, मैप हटाना है, आप वो भी प्रोसेस सेम फॉलो कीजिए और उसके बाद हटा लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके का आपको मैंने मेन मेन चीज बता दी है कि आप इसके मदद से कैसे प्री इंस्टॉल ऐप हटा सकते। अब ये रहा, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब वापस से आप MIUI 11 पे बिना ऐड के प्री इंस्टॉल बोल्टवेयर ऐप के चलाइए और मजा उठाइए। और वीडियो एंड करने से पहले प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे दीजिए, वीडियो पूरा देखें बिना स्किप और फॉरवर्ड के, मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।